हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। हम आ गए हैं पी ब्लॉक को लेकर। आई होप सो आपको पी ब्लॉक बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए सब लोग बोलते हैं भैया पी ब्लॉक ली ब्लॉक पी ब्लॉक बताइए पी ब्लॉक बताइए। तो आखिरकार आपका पी ब्लॉक का टाइम आ ही गया है, तो पी ब्लॉक को अच्छी तरीके से हम देखेंगे। पी ब्लॉक में आपका अच्छे से जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने बता दिया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी नहीं हुई है, आई नो आपको जल्दी इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। NH2 NP 1 से लेके 6 तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 1 से लेके 6 तक आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। इसके अंदर सारी तरह के मेटल पाए जाते हैं, जैसे कि मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल, हर तरीके के मेटल पी ब्लॉक के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। जितना यहाँ पे बताया गया है उससे ज्यादा ही है, NCERT के थ्रू ही देखने को मिलेगा। पर आपको जो है ये अगर याद रहेगा तब तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। साइज की तो हमने बात कर ली थी, बोरॉन, बेरियम, एल्यूमिनियम। अब एक और चीज यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो है बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा ट्रांजिशन मेटल का। ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन इन अ गैलियम, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द साइज ऑफ द गैलियम आपको देखने को मिलता है। इसलिए आपको जो है साइज जो है गैलियम की कम हो जाती है एल्यूमिनियम से, ठीक है। 14 से लेके 15 तक डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज आपकी इंक्रीज होगी, ये चीज मैंने आपको पहले भी पीरियोडिक टेबल में बता दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है। डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता ही घटती है, पर कुछ कुछ जगह पे आपको ये एक्सेप्शन याद रखना है। ट्रांजिशन, कॉन्ट्रैक्शन देख लेना, और लास्ट की जो दो तीन जो आपके जो लेस्ट एलिमेंट है वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलता है। ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन, जो कि थेरियम और पीवी TL और PB के अंदर आपको देखने को मिलता है। ज्यादा से ज्यादा कभी नहीं पूछ लेगा, पर आपके कभी कभी इनके लास्ट ग्रुप की कभी कभी बात कर लेता है तो ये यहाँ पे आपका आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर दे ही रखा है, देख लीजिए, बेरियम, थेलियम, ठीक है, थेलियम सबसे आगे आ गया साइज आयोनाइजेशन एनर्जी में, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, इस तरीके से आपका आ जाएगा। और उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, PB और SN, इस तरीके से आपका आ गया। PB और SN क्या है आपका बता सकते हो, PB आपका लेड है और आपका SN जो है टीन है, ठीक है, लेड और टीन, इस तरीके से आपको याद रखना है। और जी आपका जर्मेनियम है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, इस तरीके से मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी इन दो ही ग्रुप में आपको देखने को मिल गई। अब ये देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने इसको पीरियोडिक टेबल में बता दिया था, इसमें बस आपको ये चीज याद रखनी, ये वाला टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। और ऑक्सीजन का याद रख लेना, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी रखता है, ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा ही आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी की, अगर मैं बात करूंगा वहां पे डेंसिटी देखने को मिलती है 13 से 18 तक आपको देखनी है, 13 से 18 तक डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, आपकी जो है डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, तो ये याद आपको रखना है। डेंसिटी के बाद अगर मैं बात करूंगा 13 से लेकर 18 तक आपको डेंसिटी डाउन द ग्रुप आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। कार्बन अगर आपका डायमंड होगा तो सिलिकॉन, कार्बन की ज्यादा हो जाएगी सिलिकॉन से, और कार्बन अगर आपका ग्रेफाइट होगा तो उसके अंदर इस तरीके से आपकी डेंसिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दो ही एक्सेप्शन थे, अगर आप कार्बन डायमंड लेते हो तो सेम चीज, जैसे कि डाउन द ग्रुप आपकी जो डाउन द ग्रुप है वहां पे क्या हो जा रही है, डेंसिटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो रही है ना, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है कार्बन और सिलिकॉन में। अगर आप कार्बन ग्रेफाइट अगर लेते हो सिलिकॉन के साथ, तो आपका डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, पर यहाँ पे सिलिकॉन की ज्यादा कम हो जाती है डेंसिटी, ठीक है, कार्बन अगर आप ग्रेफाइट लेते हो। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, इसके अंदर दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। 14th और 15th ग्रुप में, तो 13 और 14th ग्रुप में ये आपके 11th, अगर मैं बता दूं, पहले एक चीज बता देता हूँ, 13th और 14th ग्रुप जो पी ब्लॉक का है आपको 11th क्लास में पढ़ा जाता है, 15th, 16th और 17th जो ग्रुप है आपका, 15, 16, 17, 18 ग्रुप जो है आपका वो आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इस चीज के अंदर डिफ्रेंशिएट कर लेना, दोनों भी मिक्स करके यहाँ पे पढ़ा दिया है। और डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है बॉइलिंग पॉइंट आपकी, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से याद करना है आपको। 14 और 15 में आपका टॉप टू बॉटम आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, 15, 16, 17, 18 के अंदर आपका टॉप से लेके बॉटम तक बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, ये चीज यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गई। 14 और 15 में बॉइलिंग पॉइंट घटता है, 15, 16, 17, 18 में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है टॉप से बॉटम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया। एक्सेप्शन देख लेना, जो लास्ट की जो आपके थे, जो जहाँ पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा था वहां पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका SB और BI की यहाँ पे बात कर रहा है, तो SB क्या है आपका, एंटीमोनी, एंटीमोनी और आर्सेनिक की, एंटीमोनी और किसकी बात कर रहा है ये, और बिस्मिथ की बात कर रहा है, एंटीमोनी और बिस्मिथ की, और ट्यूटेरियम और पोलोनियम की बात कर रहा है। तो
एंटीमोनी, ये जो एसबी हो जाता है एंटीमोनी और बिस्मिथ की यहाँ पे बात कर रहा है, ट्यूलोरियम और पोलेरियम की यहाँ पे बात कर रहा है, वहां पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उल्टा देखने को मिल जाएगा आपको बॉइलिंग पॉइंट, तो ये चीज देख सकते हो आप, बाकी सब आपके सेम है, तो ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट है। अभी ये तो भी बॉइलिंग पॉइंट अच्छे से कर लिया, अभी मेल्टिंग पॉइंट देखो खतरनाक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 से 5 तक मैंने दे रखी है आपको कॉन्फिगरेशन, 1 जो आपका मैक्सिमम होगा, 5 आपका मिनिमम होगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम वाला, ठीक है, 1 वाला और 4 वाला याद रखना, 5 वाला क्यों नहीं, क्योंकि आपका 5 वाला ज्यादा से ज्यादा कभी कभी नहीं पूछता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, 5 वाला कभी कभी नहीं पूछता है, तो आपको मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रखनी है। डाउन द ग्रुप 17 से 18 की अगर मैं बात करूंगा तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज ही होती है, पर आपका 13, 14, 15 में अलग से चलता रहता है। जैसे कि अगर मैं 14, 15 की अगर मैं बात करूँगा, 13 की तो अलग ही है भाई, 1, 2, 1, 2 के बाद डायरेक्ट सीधा 5 आ गया, तो गैलियम की सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो जाती है, फिर 4 और 3, ठीक है, फिर 5 और 4, फिर 3 आ जाता है, 3 सबसे थेलियम का सबसे लास्ट में दे दिया। उसके बाद 14 ग्रुप की अगर बात करूँ, 1, 2, 3 चलता है, लास्ट में इसका जो है लैंथेनर कॉन्ट्रेक्शन लग जाता है इसके अंदर, इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद 15 ग्रुप का तो अलग ही है, नीचे 1, 2, 3 चल जाता है, ऊपर इसका कुछ पता नहीं क्या लग जाता है इसके अंदर, तो ये 5 और 4 हो जाता है नेक्स्ट चीज। और 16 ग्रुप का तो बहुत ही पेचीदा हो जाता है, वहां पे आ जाता है 5, 4, 3, 1, 2, तो इस तरीके से याद रखना है, 1, 2 इस तरीके से देखने को मिलता है, 3, 4, 5 इस तरीके से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है भाई, कुछ कुछ भी कर लो याद रखना है आपको, इसमें कौन सा मैक्सिमम होता है मिनिमम होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे मैक्सिमम कौन सा होता है मेल्टिंग पॉइंट, बोरॉन का होता है, और सबसे मिनिमम किसका होता है गैलियम का, और 4 वाला भी इंडियम का भी याद रख लेना, ठीक है, तो ये याद रख लेना, बोरॉन गैलियम और इंडियम। उसका कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम इस तरीके से देख लेना, तो मैक्सिमम कार्बन का होता है और इसमें मेल्टिंग पॉइंट, और सीजियम और पैलेडियम का मिनिमम होता है इसके अंदर। एएस मतलब इस एएस का क्या है, आर्सेनिक की अगर बात कर रहा है, तो आर्सेनिक आपका डेंजरस, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे फास्ट होता है, और नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, एकदम कम मिनिमम हो जाता है। 5 की अगर मैं बात करूंगा, वहां पे मिनिमम हो जाता है, और 1 का जो है ना मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको टेलीग्राम के ऊपर आप नोट देख लेना, वहां पे अच्छे से पढ़ लेना, अभी यहाँ पे मैंने खिचड़ी बना दी है, पर इसको आप टेलीग्राम चैनल से आपके नोट डाउनलोड कर लेना, आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इनर पेयर इफेक्ट, देखते हैं हम इनर पेयर इफेक्ट। डाउन टॉप से बॉटम जाओगे तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन होगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि 13 ग्रुप का HO हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, 14 का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, लोअर ऑक्सीडेशन +2 है, 15 का हायर ऑक्सीडेशन +4 है +5 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NS के इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ P के इलेक्ट्रॉन को हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐड करते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में नंबर ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को नंबर ऑफ द S इलेक्ट्रॉन से माइनस करती है, आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है, तो ये याद रख लेना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, अगर NP1 NS2 दे दिया, मतलब ये आपका बोरॉन फैमिली की बात कर ली, वहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट 3-2, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस एस के ऊपर जितना चार्ज है उसके ऊपर -1 कर दोगे एस के चार्ज, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। आई होप सो आपने देख लिया होगा। तो इसी के साथ आपका जो है यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बता दिया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं इनर पेयर इफेक्ट। डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ द एस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा, नंबर ऑफ द न्यूक्लियस भी इंक्रीज यहाँ पे होंगे, ठीक है। इसी के साथ अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं इनर पेयर इफेक्ट के बाद बात करते हैं, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन इज अ हेवियर एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक, टेंडेंसी ऑफ एनएस पेयर टू द पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन डिग्री, दिस इज नोन एज इनर पेयर इफेक्ट। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है आपका डी और एफ इलेक्ट्रॉन का आपका इनर पेयर इफेक्ट में, तो उसमें अंदर एनएस की जो पेयरिंग हो जाती है, डाउन द ग्रुप जब जाओगे तो उसके अंदर इनर पेयर इफेक्ट लगेगा, एनएस की पेयरिंग कम होने लग जाएगी, दैट्स व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, जब आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट हेवियर मेंबर ग्रुप एज ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीज
बाय द टू यूनिट, अच्छा दो यूनिट से डिक्रीज होती है, ये तो आपको पता ही है। अगर मैंने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बता दी है, इस तरीके से हो जाती है। तो अगर आपके अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आपकी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। यही चीज को यहाँ पे ऊपर वर्ड के फॉर्म में बता दिया था। सेम फॉर 14 और 15 ग्रुप में भी देख लेना, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो स्टेबिलिटी घटेगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप जाओगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका हर बार इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलता है मुझे, अगर आपने देखा होगा तो। नेक्स्ट बात करते हैं एनोलॉमस प्रॉपर्टी ऑफ द सेकेंड पीरियड एलिमेंट, जैसे कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, स्मॉल साइज, हाई एन, हाई आई ई, एबसेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट के। तो ये चीजें सब आ जाएगी, हाई एन, हाई आई, स्मॉल साइज, और इनके अगर अच्छे से आपको जानना है तो आपको एनसीईआरटी से इनके बारे में एग्जाम्पल पढ़ लेना। जब इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे तो इसको मैं एड ऑन कर दूंगा इसके अंदर, एनोलोमेलस प्रॉपर्टीज। अभी तक कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, जब देखने को मिल जाएगा तो पक्का आपको यहाँ पे नोट्स के अंदर इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 13 ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इस तरीके का आते हैं ग्रुप, ये आपको पता ही है। 13 ग्रुप की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ करूंगा करवाऊंगा, ये ई जो है आपका, ई की जगह पे आप बोरॉन का, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम सब डाल सकते हो। O2 के साथ जब करता है तो B2O3 इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, Al2O3, गैलियम वो तो एम्फोटेरिक हो जाते हैं, इंडियम और थेरियम लास्ट वाले जो कि बेसिक नेचर हो जाते हैं, ये चीज यहाँ पे बता दी। Bf3X2 के साथ जो बन जाता है Ex3 बन जाता है, Ex3 हो जाता है पेरियम, F3, BlCl3, Bi3, AlCl3, AlI3 एक्सेट्रा। Cl3 जो कि आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, अच्छा ये आपका इंट्राहेलोजन है, ये हम बाद में देख लेंगे, ये यहाँ पे पता नहीं क्यों लिख दिया, हम इसको बाद में हेलोजन ग्रुप में देख लेंगे, ठीक है। 14 ग्रुप की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर 14 ग्रुप की अगर बात कर रहे हैं तो एलिमेंट का मैंने ऑक्सीजन के साथ करवा दिए, तो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती है, ईओ और ईओ2, +2 और +4 देखने को मिलता आता है आपको, ठीक है। तो +2 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल हो जाता है एनओ सीओ और एनओ2, ये आपके देख लेना, एनओ सीओ2, SiO, SiO2, GeO, GeO के साथ GeO नहीं बनता है, GeO2 ही बनता है, GeO नहीं बनता है, SNO, SNO2, PbO, PbO2, ठीक है, दोनों भी मैंने लिख दिया। तो ये जो लास्ट वाले ग्रुप जो है आपके कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, बीच में CO2, SiO, SiO2, GeO2, ये आपके एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल ग्रुप CO हो जाते हैं। आई थिंक सो मैंने आपको न्यूट्रल ग्रुप का भी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बता दिया था, ठीक है। ई अगर मैं बात करूंगा, O2 के साथ अगर मैं बात करूंगा, X2 के साथ मतलब हैलोजन, पता है ना X का मतलब क्या हो जाता है, हैलोजन होता है, देखिए यहाँ पे इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो EX2 और EX4 की अगर मैं बात करूंगा, EX2 जो कि आपका +2 ऑक्सीडेशन +2 में स्टेबल होता है, EX4 जो कि आपका +4 में स्टेबल होता है, कोवेलेंट इन नेचर, बट द PbF4 और SnF4 की अगर बात कर रहे हैं, सारे ही कोवेलेंट हो जाते हैं इनके हाइड्रोजन के साथ अगर आपके 14 ग्रुप का हो जाता है। पर इसमें अगर मैं बात करूंगा PbF4 और आपकी SnF4 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये लास्ट वाले जो हो जाते हैं ये आयनिक इन नेचर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आयनिक, इनके अंदर लेंथ नेट कॉन्ट्रेक्शन लग रहा होता है तो आयनिक हो जाते हैं। उसके बाद HCF4 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, डाउन द ग्रुप आपका डिक्रीज होगा इनके अंदर स्टेबिलिटी। डायहैलाइड की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और इनकी अगर टेट्राहैलाइड की अगर मैं बात करूंगा तो डाउन द ग्रुप इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 ग्रुप में हैलोजन के साथ अगर आपका रिएक्शन हो रहा है तो अगर डायहैलाइड बना रहा है तो आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, टेट्राहैलाइड बना रहा है तो आपका डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है स्टेबिलिटी का। नेक्स्ट बात करते हैं E+H2O, जो अगर H2O के साथ करेंगे तो नो रिएक्शन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिमेन इनर्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड ऑन इट, इनके अंदर PbH2 सारे जितने एलिमेंट है नो रिएक्शन वाटर के साथ, पर PB लगा था कि PB आपका रिएक्शन कर देगा, पर इसके अंदर भी प्रेजेंस ऑफ द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर पानी की वजह से ये भी रिएक्शन नहीं कर देता है, पर अगर मैं इनको स्टीम के अंदर चला डाल देता हूँ तो ये अपनी रिएक्शन चला देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम बात करेंगे 14 ग्रुप हो गया, अभी 15 ग्रुप की बात करेंगे, 15, 16, 17, बाकी कुछ नहीं है, 17 तो यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, 18 की तो बात ही नहीं किया। 15 की अगर मैं बात करूँ, ई से अगर O2 की बात करें, 15 ग्रुप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज याद कर लेना।
O2 O2 माइनस अगर बन रहा है N और P के साथ, तो एसिडिक नेचर बन जाता है, और N और N2 जो कि आपका न्यूट्रल होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। उसके बाद O2 माइनस AS और SB के साथ एम्फोटेरिक, BI के साथ आपका बेसिक, दो तरीके के देखने को मिलते हैं, +3 और +5, E2O3 और E2O5 इस तरीके से देखने को मिलता है। EO2 जो कि आपका +3 और +5 इस तरीके से देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं E+X2 की, अगर मैं बात करूंगा EX3 जो कि आपका +4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, और EX5 जो कि आपका +5 हो जाएगा। ऑल EX3 इज कोवेलेंट एक्सेप्ट BI F4 आपका हो जाएगा, क्या आ जाएगा, BI F4 हो जाएगा। तो EX3 और EX5 जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाता है। NX3 डू नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकेंड पीरियड एलिमेंट की फोर्स से ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अगर आपने देख लिया इसको एलोजन के साथ, आपका जो है एलिमेंट का 15 ग्रुप एलिमेंट को यहाँ पे डाल दिया, 15 ग्रुप आपकी नाइट्रोजन फैमिली की यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे EX2 इस तरीके से आ जाएगा। तो EX2, EO3, EO2, E2O5, E+X2, EX3 प्लस EX5 इस तरीके से देखने को मिलेगा कोवेलेंट कैरेक्टर। ऑल EX3 इज कोवेलेंट एक्सेप्ट BI F4, अगर आप बात करेंगे EX3 डू नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम कोवेलेंसी सेकेंड पीरियड एलिमेंट की कैन बी 4 हो जाती है। अमंग्स द NX3 ओनली NF3 स्टेबल। अच्छा, NX3 की अगर मैं बात करूंगा तो NF3 स्टेबल है, बाकी के जितने भी हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर हो जाते हैं, बाकी सभी एक्सप्लोसिव इन नेचर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर ली, XC5 की ज्यादा होती है XC3 से। तो मैंने जितने भी रिएक्शन बताए प्लीज याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नाइट्रोजन की प्रिपरेशन के लिए मैंने दो तीन चीजें बता दी है, BaNH3 2 के साथ आपका Ba+N2 बन जाता है, NH3 के साथ Na+N2, NH4NO2 के साथ हीट दोगे तो N2, सब में हीट दे रहे हैं आप, NH4 2Cr2O7 के साथ N2 बनेगा, NH4ClNaH NO2 के साथ आपका हीट देने के बाद N2NaCl H2O बनेगा, ठीक है। कैसे हो जाते हैं, अगर कलरलेस हो जाते हैं, ऑर्डरलेस और डायमैग्नेटिक होते हैं आपके ये, और बॉन्ड ऑर्डरिंग के अंदर 3 देखने को मिलता है, कलरलेस होते होते ही है, ऑर्डरलेस और डायमैग्नेटिक इन नेचर, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, इनर्ट होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर, यूज्ड टू क्रिएट इनर्ट मीडियम ड्यू टू द हायर बॉन्ड इंथैल्पी इनके अंदर देखने को मिलती है, इसलिए इनके अंदर इनर्ट पीरियड इफेक्ट को बनाने में मदद ली जाती है। उनकी मेटल के साथ अगर रिएक्शन करोगे, मेटल विद नाइट्रोजन, तो मेटल नाइट्राइड बनेंगे, ऑक्सीजन के अंदर 200 केल्विन के अंदर NO बनेगा, और हाइड्रोजन के साथ अगर करोगे तो अमोनिया बनेगा हैबर्स प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। अभी तो ये सिलेबस से हटा दिया तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी रिएक्शन विद द फॉस्फरस की अगर मैं बात करूंगा, PaOF4 की अगर NaOH के साथ करोगे तो PH3+NaH2PO4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये चीज याद रखने रहा। P4 की सबके साथ Cl2 के साथ PCl3 बना देता है और +3 में स्टेबल हो जाता है, और अगर Cl2 आपका एक्सिस होगा तो ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो PCl5 बन जाता है +5 में, और PCl3 आपका +3 में बन जाता है। O2 के साथ जैसे कि P4O10 और N2 के साथ P4O6 बन जाता है, ठीक है। N2 के साथ आ जाएगा तो N2 खुला सांड की तरह बिहेव नहीं करेगा, O2 के साथ O6 बन जाएगा। Ca3P4 की अगर मैं बात करूँगा H2 के साथ CH3CaOH होल्डाइज PH3CaOH होल्डाइज, और CO3P2HCl की अगर मैं बात करूँगा PH3CaSeL2 इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सारी रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है आपकी किस्मत खराब हुई तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेरे को लगता है 2024 में थोड़ी सबकी किस्मत खराब ही रहेगी, थोड़ा पेपर लगता है कि डिफिकल्ट आएगा, पर नहीं, सब तो कह रहे हैं कि ईजी आएगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो ईजी आएगा, तो इजी रहेगा भाई, बस आपको अच्छे से करना है और अच्छे सा स्कोर लाना है, 600+ लेके आओ बस, और कुछ नहीं चाहिए। 16 ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे एलिमेंट प्लस ओ टू ई ओ टू प्लस ई ओ टू और ई ओ थ्री की अगर मैं बात करूंगा, ई ओ टू आपका +4 हो जाता है, ई ओ थ्री आपका +6 हो जाता है, ऑल आर एसिडिक इन नेचर। एसओ टू की आपका बात करूंगा मैं, रिड्यूसिंग की तरह काम करता है, टेलियम ओ टू जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू काम करता है, क्योंकि आपका स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इनके हायर ऑक्सीडेज +6 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, +4 में आपकी +2 में थेलियम ज्यादा स्टेबल होता है, और सल्फर की अगर मैं बात करूंगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था इनकी 14, 15, 16 की, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने दोनों की भी बता दी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर 16 ग्रुप का अगर हैलोजन के साथ देखने को मिलता है तो 3 तरीके के हैलोजन X2, X4 और X6 देखने को मिलता है। ओनली इसमें X6 में EF6 स्टेबल हो जाता है, ठीक है,
ऑक्सीजन F6 या फिर ऑक्सीजन फैमिली की बात चल रही है ना, ऑक्सीजन F6 या फिर सल्फर F6 के स्टेबल होते हैं, बाकी सब F के अलावा जो भी होंगे वो अनस्टेबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ये देखो, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, यहाँ पे दे रखा है मैंने, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्टेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल SP3D हो जाएगा इसके अंदर। SF4 अगर मैं बात करूंगा, सीसॉ शेप, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो केमिकल बॉन्डिंग में सिखाई दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं O2 की, अगर मैं बात करूंगा, डाई ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन एक गैस है, पैरामैग्नेटिक है और कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, ये भी आपको याद रखना है। स्मॉल स्केल की अगर मैं बात करूंगा, KClO3 के साथ हीट करोगे तो आपको O2 मिलेगा, K2Cr2O7 के साथ करोगे हीट करोगे तो आपको O2 मिलेगा, KMnO4 को, अगर K2Cr2O7 और KMnO4 हमने इनकी प्रॉपर्टीज हमने DRF ब्लॉक में पढ़ रखी है, ठीक है। K2Cr2O4, K2MnO4, MnO4, MnO2 और O2 का प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगा। लार्ज स्केल में अगर देखोगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आपको O2 क्या देखने को मिलेगा, H प्लस आपको कैथोड के ऊपर, O2 माइनस आपको एनोड के ऊपर देखने को मिलेगा। एयर से अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँगा, एयर से आपको निकालोगे CaCl2 डिहाइड्रिंग एजेंट है तो आपको H2 को निकाल देगा, उसके बाद बेस निकाल दे तो एसिड को निकाल लेगा। O2 के साथ N2 के अंदर अगर मैं लिक्विड फॉर्म में कर दूँ तो ठीक है, फिर उनके अंदर डिस्टिलाइजेशन कर दूंगा तो डिस्टिलाइजेशन अगर मैं कर दूंगा तो N2 पहले डिस्टिलाइज हो जाएगा लोअर साइज की वजह से, तो पहले इवॉल्व होगा और नीचे रिमेनिंग O2 मिल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी पूछ लिया तो कर लेना। O3 की अगर मैं बात करूंगा, इनके अंदर बॉन्ड ऑर्डर 3/2 होता है, 1.5 ये याद रखना, एलोट्रॉपिक होते हैं, O2 के वेरी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा, आप O2 से ही आप इसका प्रिपरेशन कर देते हो, बॉन्ड ऑर्डर रिड्यूस हो जाता है, जी बढ़ जाता है, डेल्टा एच बढ़ जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, एंडोथर्मिक हो जाते हैं, ठीक है। और उसका डिकम्पोजिशन ऑफ O3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। O3 का अगर मैं O2 के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे जी नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है और एक्सोथर्मिक होती है। कैसे होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ द O3 की अगर मैं बात करूंगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैपेबल टू रिलीज अ नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन को कैपेबल है रिलीज करने में, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, कलर्ड और सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन के साथ कलरलेस शो करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। PbS और O3 की अगर मैं बात करूंगा, PbSO4 और O2 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, H2S और O3 की अगर मैं बात करूंगा, SO प्लस O2 की यहाँ पे बात चलती है, NO और NO3 की अगर मैं बात करूंगा, NO2 प्लस O2 की यहाँ पे बात चलती है। दिस इज रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ द O2 इज लार्जली डिपेंडिंग ऑन NO एग्जॉस्टेड बाय द सुपरसोनिक जेट। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं 17 ग्रुप, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है। 17 ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी यहाँ पे, इंटर हेलोजन वगैरह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं और काफी चीज मैंने यहाँ पे बता रखी है। O2 के साथ अगर बनेंगे तो मोस्टली अनस्टेबल बनते हैं इनके जो जितने भी ऑक्साइड होते हैं, अनस्टेबल बनते हैं। अगर F के साथ देखोगे तो OF2 बन जाएगा, O2F2 बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये। दे आर असेंशियल फॉर फ्लोराइड ऑफ ओ, ईएन ऑफ द फ्लोराइड और ओ की ज्यादा हो जाती है। यूज टू रिकवर द पेलोरियम, अच्छा जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो चले जाता है वो वेस्ट के अंदर, तो उसको रिकवर करने में वेस्ट में से P4F6 को यूज किया जाता है। ओके, देख लेना आपको पीयू को मतलब फ्लोरिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं और P4F6 के फॉर्म में बाहर आते हुए देखने को मिलता है। Cl2 के अगर O2 के साथ करोगे तो इस तरीके के आपके कंपाउंड देखने को मिलेंगे। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितने भी Cl के साथ O2 के साथ जाएंगे सब सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्सप्लोजिव इन नेचर है। ब्रोमीन के साथ अगर O2 हो रहा है तो वेरी अनस्टेबल, वेरी लेस स्टेबल बनते हैं। I के साथ अगर जाएगा तो सॉलिड कलरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं, यूज इन एस्टिमेशन ऑफ CO2। तो बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम है ब्रोमीन की, जो कि अनस्टेबल होते हैं, बाकी सब तो ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड की, अगर मैं बात करूंगा तो आई की ज्यादा होती है क्लोरीन और ब्रोमीन से, ये ऑक्साइड की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और उसके बाद अभी मैं हेलोजन के साथ ही अगर मैं करवा दूँ, इंटर हेलोजन अगर मैं बना दूँ इनके, तो एक्स और एक्स डैश जो आ जाएगा, X-X-X-3, X-X-5, X-X-7, ठीक है। तो यहाँ पे पोलर होते हैं, नॉन पोलर नहीं होंगे, ये सारे ही पोलर होंगे, ठीक है। पोलर मतलब यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। की रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर मैं बता दूं, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर इंटर हेलोजन के, फिर बाकी सब हेलोजन की ज्यादा होती है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। Cl2 सारे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हेलोजन आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट F2 Cl2 Br2 I2, इस तरीके से देख रहे हैं।
हैलाइड्स के अंदर आपको उल्टा देखने को मिलेगा, आई माइनस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे, वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे इस तरीके से। तो ये आपको बता दी, इंटर हैलोजन की भी कंपेरिजन करवा दी, फ्लोरिन की ज्यादा होती थी रिएक्टिविटी ऑफ द ऑक्साइड, फ्लोरिन ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर इंटर हैलोजन, फिर अदर हैलोजन आपके रिएक्टिव होते हैं। डिस्प्रोपोर्शन ऑफ द सी एल टू बी आर टू इंक्रीज होगा इन बेसिक मीडियम, और आपका सी एल टू एच टू अगर देखोगे तो सी एल टू का अंदर बेसिक मीडियम के अंदर डिस्प्रोपोर्शनेशन देखने को मिलेगा बेसिक मीडियम में, तो डायल्यूट और कंसेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एक्वा सोल्यूशन में देखने को मिलेगा, एन ए सी एल एन ए ओ एच एन ओ सी एल इस तरीके से देखने को मिलेगा। सी एल टू जो कि कंसेंट्रेटेड हॉट के एन ओ एच एक्वस के साथ एन ए सी एल एन ओ एच, मतलब बेसिक मीडियम में ज्यादा सेम फॉर द ब्रोमिन देखने को मिलेगा आपको। देख लो सी एल टू की आपकी एच टू के साथ करवाएगी तो किस तरीके से मिलेगा, डायल्यूट और कंसेंट्रेटेड एन ए एच को अगर मैं करवाऊंगा तो वहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा, कंसेंट्रेटेड और हॉट एन ए एच की अगर मैं बात कर रहा है तो आपको किस तरीके से कॉन्फिग्रेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ क्लोरीन और ब्रोमाइड का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, क्लोरीन का प्रिपरेशन की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। के एम एन ओ फोर के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू मिल जाता है, एम एन ओ फोर के साथ आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ मिल जाता है, ई टू ऑक्सीडाइजिंग के साथ आपको सी एल टू देखने को मिलता है। सी एल टू प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ पहले एच टू एच सी एल को भी हम पढ़ते थे, पर एच सी एल क्यों नहीं पढ़ते, अभी एस एल एस से हटा दिया, तो मैंने भी यहाँ से नोट में से आपको हटा दिया। तो सी एल माइनस की अगर मैं बात करूंगा, के एम एन ओ फोर KMnO4 जो कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl2 में करेगा, MnO4 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका Cl2 में करेगा, E2 जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका Cl2 में करेगा। तो आपको प्रिपरेशन ऑफ द Cl2 याद रखनी है, इंडस्ट्रियल में भी आपको याद रखनी है, Cl- CaCl2O- इलेक्ट्रोलाइसिस। Cl- की अगर मैं बात करूंगा Cl2 एज एन डीकम्पोजर बन जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो Cl2 गैस एनोड के ऊपर देखने को मिलेगा, अगर आप CaCl2 ऑक्सीजन के साथ करोगे तो डीकम्पोजर के फॉर्म में Cl2 देखने को मिलेगा। Cl2 के अगर मैं अमोनिया के साथ करता हूँ तो एक्सेस ऑफ द Cl अगर मैं लेता हूँ तो HCl बनेगा, ठीक है, और NCl3 देखने को मिलेगा, पर अगर आपको अमोनिया एक्स्ट्रा लोगे Cl देखने को मिलेगा तो आपको HCl तो मिलेगा ही मिलेगा, पर नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में देखने को मिलेगा, और इसके बाद NH4Cl ये इस तरीके के देखने को मिल जाते हैं, मतलब NH3 और HCl देखने को मिल जाएगा, तो ये बाद में फर्दर रिएक्ट करके NH4Cl बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको ज्यादा देखने को नहीं मिल जाता है, नाइट्रोजन पूरा Cl के साथ नहीं जुड़ पाता है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर एफ माइनस एक्सचेंज देखने को मिलेगा, एफ माइनस के अंदर एफ माइनस डोनर है अल्कलाइन मेटल में, एफ माइनस एक्सेप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है। तो दोनों की तरफ याद रखते हैं ना, एफ माइनस कहाँ पे डोनर है आपका अल्कलाइन मेटल में डोनर है, और पी ब्लॉक एलिमेंट में आपका एक्सेप्टर है, तो ये चीज आपका एफ माइनस के अलग तरीके से बता दिया। तो इसी के साथ आपका पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो गया गाइस, आई होप आप पूरा वीडियो देखेंगे, आप इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आपको पूरा ही पी ब्लॉक मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।